मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री विद्यापीठ माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम सातवीं क्लास के विज्ञान विषय का 11वां डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपका टॉपिक दे रखा है पादप और जंतुओं में परिवहन या जंतु और पादपों में परिवहन। तो देखिए, इस पाठ पर आधारित आज अपना वीडियो लेक्चर सातवां है। तो पिछले छह वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपने जंतुओं में परिवहन सिस्टम को विस्तार प्रोसेस भी किए हैं। आज अपन देखेंगे पादपों में परिवहन प्रोसेस किस प्रकार से संपन्न होता है, उसको अपन एक एक से को समझने जा रहे हैं। तो देखिए, जनरली अपन जानते हैं सजीव के दो घटक हैं। सजीव में आप जानते हैं कि दो पार्ट आते हैं, जीव जंतु और पेड़ पौधे। इसको वन वर्ड में अपन कहते हैं एनिमल्स और ये होते हैं प्लांट्स। तो देखिए, जितने भी प्रकार के जनरली तो बात करते हैं सजीवों के बारे में बात करें, तो सजीवों में जितनी भी प्रकार की जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट विभिन्न प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं और उनके औद्योगिक कार्य करते हुए देखे जाते हैं। जनरली आपने देखा भी है कि जीव जंतुओं की स्ट्रक्चरल बेसिकली क्या होती है, पादपों की तुलना में हार्डनेस होती है और उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है और अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के तंत्र काम करते हुए देखे जाते हैं। नॉर्मली अगर अपने स्टेक नजर आए वो अपना टॉपिक दे रखा है पेड़ पौधों पर, पेड़ पौधों में परिवहन किस प्रकार से सिस्टम संपन्न होता है। तो जनरली आप जानते हैं पेड़ पौधे एक प्रकार के सजीव है और उनको भी जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए कई प्रकार के विशेष अंग पाए जाते हैं और उन अंगों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की क्रिया संपन्न करते हुए देखे जाते हैं। देखिए, नॉर्मल बेसिकली अपने पेड़ की संरचना है तो पेड़ में क्या देखने को मिलती है, अलग अलग ब्रांच होती है और ब्रांच क्या होती है, पत्तियां। ऐसे पत्तियां बहुत सारी होती है, जानते भी हैं। और फिर ये आगे जाके तना से आगे जमीन के अंदर गुरुत्वाकर्षण की ओर जो वृद्धि करने वाला उस पार्ट को क्या बोलते हैं, ये होता है आपके मूल तंत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं मूल तंत्र के अंतर्गत आता है मूल, जड़ और मूल नौ और ये होता है मूत्र का जो उत्पाद होता है उसको बोलते हैं मूत्र। तो देखिए, पाचक के प्रोतंत्र के अकॉर्डिंग जनरली बात करें तो प्रोतंत्र के अंतर्गत आपके देखे जा रहे हैं तो क्या कहेंगे, तना है, शाखा है, पत्ती है, फूल है, फल, ये साथ साथ किसके पार्ट होते हैं प्रोतंत्र के। और प्रोतंत्र के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के कार्य संपन्न करते हुए देखें जाते हैं, जनरली अपन इस चीज को जानते भी हैं। तो देखिए, आपको लेटेस्ट देखना है कि पादपों में परिवहन प्रोसेस किस प्रकार से संपन्न होता है, उस चीज को अपन कंसीडर करने जा रहे हैं। तो जनरली ये आपको बताना है कि पादप में नॉर्मली अपन देखें तो श्वसन है, उत्सर्जन है या पाषाण है, तो ये साथ साथ प्रोसेस जैसे जीव जंतुओं में संपन्न होते हैं वैसे वैसे पेड़ पौधों में भी एक एक प्रकार की क्रिया देखी जाती है। पौधों में अपन बात करें तो पौधों में पत्तियां होती हैं, पत्तियां क्या करती हैं और ये जड़ तंत्र होता है उनका क्या कार्य, ये क्या है ब्रांचिंग के रूप में आपकी जड़ फैली होती है जमीन में, ये जड़ तंत्र और ये पत्तियां। तो पत्तियों पर आप कार्य जानते हैं, पत्तियां पौधों में भोजन निर्मित करने का कार्य करती है, कि भोजन निर्मित करने का भोजन निर्मित करती है। और जड़ तंत्र जल व खनिज लवणों को
अदिश उपपत्ति निज लवणों को अधिसूचित करने का काम करती है, अवशोषित करती है। फिर बेसिक लेवल को बेसिक इंफॉर्मेशन अपन को होने से कि पादप में कौन कौन से भाग किसके क्या कार्य होते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हुए देखे जाते हैं, जनरली एक एक चीज के बारे में उनको बेसिक ज्ञान होना अनिवार्य है। तो आपको बताया कि प्रवतंत्र और मूल तंत्र, मूल तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट सुनाते हैं और प्रवतंत्र के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट सुनाते हैं, तो उसके बारे में बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए। हम जानते हैं कि मूल तंत्र जो गुरुत्वाकर्षण की और वृद्धि करता है, ये किस तरफ बढ़ता है, ऐसा नहीं प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, प्रकाशन उत्पन्न होता है, ये क्या होता है गुरुत्वाकर्षण क्रिया होती है और इसकी होती है प्रकाशन क्रिया, कि प्रकाश की ओर जो पार्टिकल इंप्रूवमेंट होता है उसको बोलते हैं प्रवतंत्र और गुरुत्वाकर्षण की ओर इंप्रूवमेंट करने वाला पार्टिकल होता है उसको बोलते हैं मूल तंत्र। ये बात बेस्ट है आपके ज्ञान दिमाग बात होनी चाहिए। अब देखिए हम जानते हैं कि पत्तियां भोजन बनाती है, क्या बनाती है भोजन, और जड़ क्या करती है जड़ तंत्र जल और खनिज लवणों को अवशोषित करने का कार्य करती हुई देखी जाती है। तो बेसिकली कि पत्तियां भोजन को प्रोसेस किस प्रकार से प्रोवाइड करती है, क्या प्रोसेस होता है और जो भोजन बना रखा है उनको पूरे पौधे में सिस्टमेटिक रूप से प्रोसेस के रूप में अलग अलग अंगों तक भेजने का कार्य कौन सा करता है, और जड़ों में जो पानी अवगत किया है उसको पत्तियों तक भेजने का कार्य भी प्रकार सिस्टम पाए जाते हैं उनके द्वारा ही क्रिया होती हुई देखी जाती है। जैसे अपने भी अलग अलग प्रकार के तंत्र पाए जाते थे वैसे वैसे पत्तियों में भी इसी प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं, जो जनरली दिमाग होना पत्तियों द्वारा निर्मित मुझे बता पादप के विभिन्न पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य मतलब सप्लाई करना पहुंचाना जबकि जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन सा उत्तक करेगा जाइलम। जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य जाइलम द्वारा किया जाता है। इनके बारे में वैसे भी आपको ज्ञान होना चाहिए कि पादप द्वारा अवशोषित जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने में कौन सा उत्तक काम आता है जाइलम उत्तक, और पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन सा उत्तक काम करता है
तो उसको आपको बताना है फलम उत्तक। जाइलम और फलम उत्तक को कॉमनली वर्ड यूज करते हुए बताते हैं कि जाइलम और फलम उत्तक को किस नाम से जाना जाता है, तो आप क्या बताओगे? जाइलम एवं फलम उत्तक दोनों मिलकर श्वन उत्तक का निर्माण करते हैं, पादप श्वन उत्तक। क्या? पादप श्वन उत्तक के रूप में देखें तो इसके श्वन उत्तक के कितने पार्ट हैं? दो, दो भाग हैं। एक तो है फलम और दूसरा है जाइलम। ये पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ को अन्य भागों तक सप्लाई करने का काम करता है। पत्तियों में विशेष करके ये पाया जाता है, जबकि ये जड़ों द्वारा अवशोषित जल को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है और जड़ों का विशेष पार्ट देखा जाता है। तो ये आपको बेसिकली नॉलेज होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जड़ में जल अवशोषित करने का मेन कार्य क्रम करती है मूल डोम का। इसमें क्या पाई जाती है? मूल डोम पाई जाती है। आप एक बार पूरे मैटर का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। पत्तियाँ किस प्रकार से भोजन में आती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी समझाएंगे आपको, और उससे पहले अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कि जड़ में जल अवशोषित करने का कार्य कौन से सिस्टम के द्वारा किया जाता है और किस प्रकार से संभव होता है, उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जनरली एक बार पुनः मैं पूरे मैटर को आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। अपन देखिए पादप परिवहन वाले चीज को अपन कंसिडर कर रहे हैं कि पादप दो भागों में डिवाइड होता है। पादप के दो तंत्र होते हैं, एक तो जड़ तंत्र जिसको बोलते हैं मूल तंत्र और दूसरा होता है प्रोतंत्र। प्रोतंत्र प्रकाश विरुद्ध क्रिया करता है, जबकि मूल तंत्र प्रकाश विपरीत क्रिया करता है। ये मूल तंत्र हमेशा गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि करता हुआ देखा जाता है। प्रोतंत्र के मुख्य पार्टीशन में देखें तो तना शाखा पत्ती फूल फल आदि पार्टीशन के अंतर्गत देखे जाते हैं, और मूल तंत्र के अंतर्गत मूल है जड़ है मूल लोम है, ये अलग अलग प्रकार के पार्टीशन देखने को मिलते हैं। ध्यान दें कि जल व खनिज लवणों को अवशोषण करने का कार्य करता है जड़ तंत्र और पत्तियां पौधे में भोजन निर्माण करने का कार्य करती है। अर्थात कुल मिलाकर प्रोतंत्र के अलग अलग भाग अलग अलग पौधों में पाए जाते हैं और वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भोज्य पदार्थ को जनरेट करने में कार्य करती रहती है। अलग अलग पौधों में हरे रंग के तने भी पाए जाते हैं, उनमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती देखी जाती है। ये आपको बेसिक सिस्टम्स याद होना नेसेसरी है। अपन देखते हैं पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ को पादप के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का कार्य फलम उत्तक द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? फलम उत्तक द्वारा किया जाता है, जबकि जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य जाइलम उत्तक द्वारा किया जाता है। कौन से उत्तक द्वारा? जाइलम उत्तक द्वारा। दिमाग बात रहेगी, जाइलम उत्तक तथा फलम उत्तक दोनों मिलकर पादप श्वन उत्तक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? श्वन उत्तक। तो आपको दिमाग बनाने से श्वन उत्तक में जाइलम और फलम पाया जाता है, फलम पाया जाता है पत्तियों वाले पार्टीशन में और जाइलम पाया जाता है जड़ों वाले पार्टीशन में, और उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग प्रकार से कार्य करते हुए देखे जाते हैं। अब अपन बात करने जा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि जड़ों द्वारा जल अवशोषित किस प्रकार से होता है, उसको अपन कंसिडर करने जा रहे हैं। तो देखिए जो मैटर आपको एक बार रिवाइज करवाया आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए आपने कभी पादप की सेक्शन कटिंग करते हुए देखा होगा या घर पे मतलब जब पादप को तने को ओपन कट करते गुलाल से, तो उसमें अलग अलग प्रकार के पार्ट्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के बल्ब बनती हुई दिखे रहती है। जैसे आपने लकड़ी जैसे इधर रखी है, इसको आप जैसे काटते हैं तो कटिंग करने पर इसमें क्या बनती है? अलग अलग प्रकार के सिधारी दिखे रहती है, अलग अलग रंग की देखी भी होगी आपने, अलग अलग धारियाँ होती है, और उसके अकॉर्डिंग इन बल्बों के आधार पर लकड़ी के आयु काल को भी ज्ञात करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रत्येक बल्ब बनने में लगभग 10 साल का समय लगता है, और उसके अकॉर्डिंग पादप की आयु को भी कंसिडर करके बता भी सकते हैं। देखिए वार्षिक बल्ब अलग अलग होती है, और वार्षिक बल्ब के अकॉर्डिंग नॉर्मली अपन बताते हैं कि मतलब ये बल्ब कितने टाइम से होती है, और उसके आधार पर
बता दें कि पादप आयु नहीं हो सकती है। अब पादप मूल रोग की बात करते हैं, मूल रोग में भी अलग अलग प्रकार के पार्ट से होता है और उसके तरफ चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, ऐसे सिस्टम्स पाए जाते हैं। फिर बाद में इसमें अलग अलग क्या बन जाती है, फिर ऐसे षटकोणीय संरचना की होती है, ऐसे षटकोणीय संरचना के रूप में आपको जिस प्रकार का कंपाउंड दिखाई देता है। फिर इससे क्या निकलती है, पतली सी बाल जैसी संरचना निकलती है और उसपे क्या पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं। और इनकी सतह पर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे सूत्र पाए जाते हैं और वो सूत्र अधिशोषण अवशोषण की क्रिया के द्वारा मृदा से जल को अधिशोषित करने का कार्य करती हुई देखी जाती है। अपन जनरली नॉर्मल सब प्रोसेस के बारे में आपको आज डिस्कस करके बताएं कि पादपों में किस प्रकार से परिवहन सिस्टम जनरेट होता है। तो नॉर्मली कंसीडर करके आपको बताया, विस्तार रूप से अपन कंसीडर करेंगे कि मूल रोग किस प्रकार से कार्य करती है, मूल रोग जल अवशोषण का प्रोसेस को समझाएंगे और उसके बाद में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। इन दोनों चीज़ों को अपना अगले वीडियो लेक्चर के माध्यम से विस्तार रूप से स्टडी करके आपके सामने मैटर रिप्रेजेंट करेंगे। सिर्फ आपको ये ध्यान रहे कि आज आपको बेसिकली पादपों परिवहन सिस्टम को समझाया कि पादप के विभिन्न भागों तक कौन सा उत्तक क्या कार्य संपन्न करता है उसके बारे में जनरली बात दिमाग में रहे, समझाया जो स्टडी करें घर पर रहे, सुरक्षित रहे, व्यवस्थित अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद। 24